हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजकुमार सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रक्षाबंधन स्टेटस एडिटिंग। ये जो आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, इसी तरह की स्टेटस एडिटिंग करके दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस वीडियो में आपको अलाइट मोशन ऐप से एडिटिंग करके बताऊँगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लें। अलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रेस पर क्लिक करें, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। नीचे की ओर जो ग्रीन कलर का प्लस दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। मीडिया पर जाएं। मीडिया पर जाने के बाद जो स्टेटस एडिट किया था उसका ही वीडियो पर क्लिक करें और थ्री डॉट पर क्लिक करें। एक्स्ट्रा ऑडियो कर लें जिससे ऑडियो अपने पास आ जाए। वीडियो को हटा दें। वीडियो को हटाने के बाद देखिए ऑडियो आ चुका है। इसके बाद प्लस पर क्लिक करें। प्लस पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाएं, फोटो सेलेक्ट कर लें। मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन सबको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थ्री डॉट पर क्लिक करें। फील कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करें। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लें और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। फोटो में आपको प्लस की लगाना है। स्टार्टिंग में लगा दें एक प्लस की और फिर फोटो के एंड में आ जाएं। फोटो के एंड में आने के बाद जहां पर भी एक प्लस की कर दें। इसके बाद फोटो के बीच में आ जाएं, जो 1 सेकंड है इस पर क्लिक करें और प्लस की लगा दें। स्टार्टिंग में आकर इसको बढ़ाकर 2840 कर दें, 2840 कर दें। जितना अपना आप रखना चाहें उतना रख दें आगे बढ़ाकर। इसके बाद एंड वाली प्लस की में आ जाएं और इसको भी इतना ही रख दें, 2800 के करीब, 2800 2850 के करीब। इतना करने के बाद बराबर फिट रख लें। इतना करने के बाद स्टार्टिंग में आए और दोनों प्लस की के बीच में आ जाएं और कर्व पर क्लिक करें और इन दोनों कर्व को ऊपर की ओर रख दें। इस तरह से बराबर एग्जैक्ट करके ताकि फोटो जूम में अच्छा दिखे। इस तरह से रख दें और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करें और कॉपी कर्व पर क्लिक कर दें। कॉपी हो जाने के बाद आगे वाली दोनों की फ्रेम पे आ जाएं और यहाँ पर कर्व पेस्ट कर दें और ये दो एरो हैं इन पर क्लिक करके नीचे की ओर हो जाएगा। देखिए ये कितना शानदार दिखेगा। तो इसके बाद फोटो पर क्लिक करें और इफेक्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर सर्च करें स्विंग, तो हम लिख देते हैं SW। ये देखिए स्विंग आ गया है। इसको सेलेक्ट कर लें, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ से ध्यान से देखिए जो फ्रिक्वेंसी है इसको कम कर दें, 51 के करीब रख लें, 51 के। इतना रखने के बाद एंगल पर जाएं। एंगल पर जाने के बाद आगे की ओर कर दें। आगे की ओर किसका है, इसको बन रख दें, बन। इतना करने के बाद बन रख दें, बन पॉइंट। और फिर एंगल टू पर क्लिक करें। एंगल टू पर क्लिक करें और इसको कम करना है, सॉरी ये बढ़ गए, कम करना है इसको। कम करने के बाद इसको बराबर 10 से 10 पॉइंट तक करना है कम। यहाँ से 1 पॉइंट कर देना है। इतना रखने के बाद इनको ऐसा ही रहने देना है। इसके बाद बाहर आए, एड इफेक्ट पर क्लिक करें। एड इफेक्ट पर जाने के बाद ऑक्सीलेट सर्च कर लें।
ओ, मैं ऑक्सलेट सर्च कर लेता हूँ। ओ एस डी ऑक्सलेट आ चुका है पहले नंबर पर। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। ऑक्सलेट पर भी ध्यान देना है, यहाँ 45 ही देना है और ये फ्रिक्वेंसी है इसको घटा देना है, माइनस में 9 पॉइंट रखना है इसको। नाइन कर देना है। नाइन करने के बाद इसको इनसाइड रहने देना है, बाहर आए। इसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर भी एक्सपोजर एंड गामा पर क्लिक करना है। देखिए एक्सपोजर गामा आ चुका है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है और इधर पर स्टार्टिंग में आना है फोटो के, और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है। लगाने के बाद थोड़ा आगे की ओर रखकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगाना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आने के बाद इसको बढ़ा देना है। 80, 77 पर क्लिक इतना रख देना है। इसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर कर्व पर क्लिक करना है और इनको दोनों को ऊपर की ओर रख देना है, थोड़ा कम बस इतना। रखने के बाद बाहर जाना है। देखिए हमारा इफेक्ट लग चुके हैं। अब इस फोटो को कम कर देना है। देखिए मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा फोटो, ड्यूरेशन बढ़ी है इस फोटो की। अब हम इस फोटो की ड्यूरेशन कम कर देते हैं। घड़ी वाले पे आकर इस लाइनिंग को कम कर दें। इतना रखने के बाद इसी का डुप्लीकेट करना है। लेयर पर क्लिक करें और इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करें और आगे की ओर खिसका कर रख दें। इतना रखने के बाद इस लेयर पर क्लिक करना है और कम कर देना है इसको, इतना ही कम करना है, घटाकर इतना रख देना है। इसमें मैं 9 बीट मार्क में ही बता रहा हूँ, इसी को कॉपी करना है। आप सॉन्ग सुन लेना पहले, फिर रखना इतना, लेकिन इतना ही रखना है इसमें। इस सॉन्ग को मैंने सुना है, इसी को सभी में डुप्लीकेट करना है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको वीडियो का सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको एडिटिंग के बारे में, यूट्यूब के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप चैट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए एंड में एक फ़ोटो है, इसको कैसे करते हैं। देखिए सॉन्ग ज़्यादा लंबा है थोड़ा, तो इस फोटो पर क्लिक करें और घड़ी पर जाएं, आगे टैप कर दें, पूरा हो गया। इसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करें, जो सेकंड वाला फ़ोटो है इस लेयर पर क्लिक करें और कलर एस फील पर जाएं, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। कोई मैं ये सारे फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सभी मैं इसी तरह कलर एस फील पर जाकर सभी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, आप आराम से कर लेना। मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। इसी तरह कलर एस फील पर क्लिक करके फोटो ऐड सेलेक्ट करते हैं, जो प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। देखिए सभी फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी हैं। एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हम ये सॉन्ग का वॉल्यूम चालू कर देते हैं ताकि वीडियो में वॉल्यूम आ जाए। इसके बाद ऊपर की ओर जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करें और ये HD फुल HD में रहने दें, एक्सपर्ट कर दें, वीडियो सेफ हो जाएगा।
एक्सपर्ट होने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि गैलरी में सेव हो जाए। वीडियो गैलरी में सेव हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।